शहजाद खान और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं, ना ही ये कोई साहिल समंदर है और ना ही कोई नहर, ना ही कोई दरिया और ना ही हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत वक्त की जानिब से कोई ऐसे छोटे छोटे टैंक बनाए गए हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाए कि वो आए और यहां से पानी लेकर घरों को ले जाया जाए। इस वक्त एनटीवी न्यूज़ मौजूद है ये एक इंतहाई अहम शाहरा जो कुलंगी इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं अजीबो गरीब कैफियत का समा है। इस हालात को आप देखिए, हैवी ट्रैफिक, जो ये कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में इंडस्ट्रीज मौजूद है। यहाँ से हजारों गाड़ियाँ रोजाना की बुनियाद पर गाड़ियों का गुजर बसर होता है और यहाँ से हैवी ट्रैफिक जो कि ऑयल टैंकर, कंटेनर्स, डंपर्स और दीगर हैवी ट्रैफिक की जो गाड़ियां हैं वो सैकड़ों और हजारों की तादाद में यहां से गुजरती हैं। और ये वही रोड है जो रोड यहां से दाऊद चुरंगी से मुर्तजा चुरंगी और कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मीट करता है। इस रोड पर सैकड़ों की तादाद में इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। रोजाना सुबह यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग रोजगार के लिए इन्हीं रोड पर से गुजरते हैं। ये रोड आप देख सकते हैं एक खंडरात का मंजर है, ना ही ये कोई मोइनजोदड़ो है। ये कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का दाऊद चुरंगी का मकाम फ्यूचर मोड़ है। कोई आसार कदीमा की बाकियात नहीं है, ना ही ये मोहनजोदड़ो के असरात रह गए हैं। ये मेन शाहरा है, लाखों की तादाद में लोग यहाँ से गुजरते हैं और सुबह रोजगार के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियां महफूज नहीं। आए दिन यहाँ पर ट्रैफिक हादसात रोनुमा होते हैं, गाड़ियां कल्टी हो जाती हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वन वे को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये वन वे एक साइड गाड़ियों के जाने के लिए है, लेकिन आने वाली गाड़ियां भी इसी रोड से, इसी ट्रैक से आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त ये ट्रैक, सेकंड ट्रैक जो है ये बिल्कुल जाम हो चुकी है। ये एक ऑयल टैंकर्स मौजूद है मेरे सामने, यहाँ देख सकते हैं, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं, ऑयल टैंकर जो अपनी जगह पर जाम हो चुका है और इसके पीछे गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। ये इस वक्त छुट्टी का टाइम है मेन कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, जहां से वर्कर्स शाम को अपने घरों की जानिब जाते हैं और इस वक्त एक लंबी कतार मौजूद है। लोगों, इंसानी जिंदगियां महफूज नहीं है, इंसानी जिंदगियां खतरे पर हैं, दांव पर लगी हैं। हुकूमत सिंध बेबस खामोश तमाशाई बनी हुई है। मेयर कराची ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं। डीएमसी मलीर के चेयरमैन जनाब गायब हैं, यहाँ के मकामी यूसी के चेयरमैन जो बिल्कुल वो भी गायब हो चुके हैं। अवाम का किसी को ख्याल नहीं। इलेक्शन के टाइम में तो अवाम के साथ होते हैं, लेकिन इलेक्शन गुजरने के बाद वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं ये हमारी मेन शाहरा है जिसे, जिस पर लोग परेशान खड़े हैं। अगर मैं ये बात यहाँ पर कहूँ कि ऑयल टैंकर यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जाते हैं, कल ही एक ऑयल टैंकर यहाँ पर गिरा भी है। खुदा न ख्वास्ता क्या हुकूमत इस बात की मुंतजर है कि खुदा न ख्वास्ता सानहा अहमदपुर शर्किया जैसा वाकया यहाँ रोनमा हो, तब जाके हुकूमत को होश आए और हुकूमत इस पर एक्शन ले।
یہاں پر یہاں کے مختلف مقامی لوگ موجود ہیں، آئیے ہم ان کی رائے لیتے ہیں، یہ اس روڈ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ کھنڈرات نما روڈ جو داؤد چرنگی تک مرتضیٰ چرنگی تک ہے، کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے، یہاں کے مقامی لوگ ہیں، آئیے ان سے رائے لیتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا کہیں گے آپ اس روڈ کے بارے میں، آپ یہاں کے مقامی ہیں اور آپ کی کیا رائے ہے، کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ یہ تو ہم لوگوں کے لیے عذاب الہی بن گیا۔ کچھ عرصہ پہلے، تین چار دن پہلے، اس روڈ کے اوپر ایک حادثہ نما ہوا، جو 22 ویلر ٹرالا تھا وہ کلٹی ہوا، جس میں 132 ٹن غالباً کہا جا رہا تھا کہ وزن ہے، وہ ایک زلزلہ نما، یا مقامی لوگ اس دن سے اب تک ڈرے ہوئے، بچے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دکھائیں کیمرہ مین کو، میں گزارش کروں گا کہ یہ دکھائیں۔ بالکل، ان کا کہنا ہے کہ کچھ دن قبل، دو چار دن قبل، یہاں ایک بہت بڑا ٹرالر جو کلٹی ہوا ہے، جس میں انسانی جانیں ضائع ہونے سے بال بال بچ گئیں، اس کے نیچے اگر کوئی گاڑی، کوئی بچہ، کوئی مسافر، کوئی راہ گزرنے والا آ جاتا تو بہت بڑا سانحہ ہو سکتا تھا۔ سر آپ کیا کہتے ہیں، آپ خوش ہیں اس سے؟ اس کے بارے میں آپ لوگ خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ یعنی جو ہے ان کو، یعنی 5 یا 8 سال ہو گئے، پہلے روڈ ایسی تھا، اس سے اچھا پہلے موٹا روڈ تھا، انہوں نے نکالا وہ، یعنی توڑ کے پھر انہوں نے ایک ایک ان کی سیوریج کی لین انہوں نے پوری سیٹ نہیں کی۔ اس کے بعد یہ ایسے ہو رہا ہے، روزانہ گاڑیوں کے ایکسل ٹوٹ رہے ہیں، کمانیاں ٹوٹ رہی ہیں، پریشان لوگ ہو رہے ہیں روزانہ گئے۔ اور اس دن یہ 40 فٹا وہاں پہ چادروں کا گرا پانی کی، یعنی 18 انچ 12 انچ کی لین جا رہی ہے پانی کی، ابھی تک وہ پانی نکل رہا ہے، پتھر ابھی ڈلوائے ہم لوگوں نے، ابھی اس کیا ابھی تک تو پانی کی لین ہے۔ بالکل، تو آپ لوگ، آپ کیا کہتے ہیں، آپ لوگ یہاں سے ہماری لیڈیز جینٹس لوگ نمازی گزرتے ہیں تو کیا، کیسی لوگوں کی فیلنگس ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بالکل وہ بے نماز ہو جاتے ہیں، پلیت کپڑے ہو جاتے ہیں، کیسے نماز ہی بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ حالات تو آپ روڈ کے خود دیکھ۔ آپ ایم پی اے، ایم این اے اور حکومت سندھ کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ بے شک، یہ بے غرت لوگ ہے، یہ بے غرت لوگ ہے، حکومت جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں یہ بے غرت لوگ ہے، ان کو شراب پینے اور جو حرام کو خور چلاوے اور کوئی فرصت نہیں ملتی۔ یعنی کہ وہ اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں، اپنے سیلریز لے رہے ہیں، اپنی فیسلٹیز انسینٹیوز لے رہے ہیں، عوام کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ابھی اس وقت زرداری کا بیٹا مر جائے، اور زرداری کی بیٹی مر جائے تو پھر ان کو آنکھ کھلے گی کہ حکومت عوام کی کیا کچھ کہتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کہ وزیر اعظم یا صدر کا بیٹا مرے تو تب یہ آنکھ کھلے گی۔ جی، یہاں لوگوں کے جذبات ہیں، لوگ یہاں پر جوشیلے ہو رہے ہیں، وہ ایک غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے، کیونکہ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کئی سانحات ایسے ہوئے ہیں۔ اور سیوریج کا مسئلہ، ایک تو روڈ کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکا ہے، لیکن یہاں پر سیوریج کی لائنیں بلاک ہو چکی ہیں، جیم ہو چکی ہیں، اور پانی اوپر آ چکا ہے۔ نمازی حضرات کا گزر بسر ہونا بہت مشکل ہے، گزرنا یہاں سے، لیڈیز یہاں سے گزرتی ہے، یہاں سے ہماری خواتین گزرتی ہیں، لوگ گزرتے ہیں، لیکن زندگی اجیرن بن چکی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف ضلع ملیر کے سینئر رہنما انجینئر امجد علی کوہستانی صاحب، آئیے ان کی رائے لیتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر جی، آپ پاکستان تحریک انصاف سے بلانگ کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں عوام کس طرح دکھ اور درد میں مبتلا ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ انتہائی نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ لاسٹ 1 ایئر میں یہ اس روڈ کو 2 دفعہ ریپیئر کر چکے ہیں، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس روڈ کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہاں کی جو سیوریج لائنیں ہیں وہ کلوز ہو چکی ہے، اور میرے خیال میں اگر ان لائنوں پہ کام کیا جائے، اس کے بعد اس روڈ پہ اگر توجہ دے تو انشاءاللہ اس کی جو لائف ہے وہ 15 سے 20 سال تک ہو سکتی ہے۔ سر آپ کہتے ہیں کہ یہ سیوریج لائن کا مسئلہ مسائل ہے، لیکن آپ جس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، کیا آپ لوگوں نے آنکھوں پر پٹیاں باندھ رکھی ہیں، یا عوام کا دکھ درد کسی کے دل میں محسوس نہیں ہو رہا؟ آپ اپنی پارٹی پالیسی کیا کہتے ہیں، اور آپ کیا کہتے ہیں کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، جہاں تک پارٹی پالیسی کا تعلق ہے تو لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب نے قائد آباد کا وزٹ کیا تھا، اور ہم نے ان کا جو روٹ رکھا تھا جلسے کے لیے وہ اسی انڈسٹریل ایریا میں رکھا تھا، تاکہ ہمارے چیئرمین اس علاقے سے گزرے اور ان کو یہ پتہ چلے کہ جو سندھ گورنمنٹ وہ کیا کر رہی ہے، جو دعوے کرتے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے، ٹاک شوز پہ بیٹھ کے۔ تو ہم نے پارٹی کے بیس پہ جو سب سے پہلے یہاں پہ جو پروٹیسٹ کیا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا، اور ہم نے ہمیشہ ہر فارم پہ اس چیز کو اجاگر کیا ہے، اور اپنی پارٹی پالیسی میں بھی اس چیز کو رکھا ہے۔ وقتاً فوقتاً ہم نے جو سلیکٹڈ لوگ ہیں جو
डोमिनेटेड लोग हैं उनसे हमने रابطہ भी किया है, डीएमसी से भी हमारा रابطہ हुआ है, सिटी गवर्नमेंट से भी हमारा रابطہ हुआ है, और जो यहाँ के मुंतखब एमपी है मैंने उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि खुदारा इस चीज़ पर तवज्जो दो, क्योंकि ये शार फैसल के बाद जहाँ तक मैं समझता हूँ कराची की मजरूब शार है, और इस रोड पर तकरीबन डेली जो है 1 लाख समथिंग गाड़ियाँ गुजरती है, जिसमें लाइट ट्रांसपोर्ट है, हेवी ट्रांसपोर्ट जो पोडकासम अथॉरिटी है, पाकिस्तान स्टील मिल है, कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, उसके अलावा यहाँ लांडी इंडस्ट्रियल एरिया, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में जितने भी स्टेज इंडस्ट्रियल जोन है तो उनका रोड यही है, और हमने कोशिश की है पार्टी की लिस्ट उस पर, और जो लोग मुंतखब है उनसे भी ये रिक्वेस्ट की है बार बार कि खुदा के लिए इस चीज़ पर तवज्जो दो, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जी, ये इंजीनियर अमजद अली कोहिस्तानी साहब, डिस्ट्रिक्ट मलिर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा हैं, ये अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और बता रहे थे कि इनके दिल में आवाम का दर्द मौजूद है, और ये इसीलिए आज यहाँ पर इस दरिया समंदर या ये गंदा नाली जो नाला जो बह रहा है और यहाँ पानी पर ये हमारे साथ मौजूद हैं, आवाम के दरमियान ये खड़े हैं, और इन्होंने तहिया किया है, इरादा किया है आइंदा मुस्तकबिल करीब में भी ये आवाम के शाना बशाना खड़े रहेंगे। आप सर यहाँ MNA, MPA, सिंध गवर्नमेंट, DMC मलिर के चेयरमैन, मकामी UC की चेयरमैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन्हें क्या पैगाम देंगे? मेरे ख्याल में जहाँ तक मैसेज की बात है तो वो लोग भी इस रोड से गुजरते होंगे, उनको भी महसूस होगा, ये जो आम गरीब लोग जा रहे हैं मेहनत कश इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो मेरे ख्याल में वो लोग एक्चुअली यहाँ से गुजरते भी हैं, उनके नॉलेज में भी है, और वो ऑलरेडी इस पर 2-3 दफ़ा काम कर चुके हैं, लेकिन जो काम का मैार है, जो मटेरियल उन्होंने यूज़ किया है, उस चीज़ पर इन्होंने फोकस नहीं किया। अब मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए इन मेहनत कशों की सुने, इनकी बदुआएँ ना ले, क्योंकि इख्तदार आने जानी चीज़ है, लेकिन जो आवाम की खिदमत है वो तहायात रहेगी, वो इंशाल्लाह उसका सिला उनको मिलेगा, लेकिन इन्होंने नहीं किया, और मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए इस पर रिक्वेस्ट दे, और स्पेशली यहाँ के जो इंडस्ट्रियल जोन है जो इस इलाके में बिलोंग रखते हैं, जिनका ये डेली का रूट है, जैसे यहाँ पर पाकिस्तान स्टील मिल हो गई, पोडकासम अथॉरिटी हो गई, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, कोरंगी इंडस्ट्रियल हो गया, गुलामर टेक्सटाइल मिल है, अलकरम टेक्सटाइल मिल है, मैं भी इंतजामिया से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा के लिए ये कोई सियासी इशू नहीं है, ये एक अवामी मसला है, इसमें हर एक का हिस्सा है, अगर वो इसमें थोड़ी सी बात अपना वो करे, किरदार अदा करे, तो मेरे ख्याल में ये कोई ऐसा मुश्किल वो नहीं है, इशू नहीं है कि उसको ख़त्म ना किया जा सके। जी, इंजीनियर अमजद अली कोहिस्तानी साहब जो अपने व्यूज़ दे रहे थे और ये कह रहे थे कि हम मिलकर इस इलाके की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करें, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो भी तआवुन करें, और हम सब मिलकर यकजहती का मुजाहरा करते हुए अवाम की खिदमत करें। साथ यहाँ मकामी एक बुजुर्ग मौजूद हैं, आए इनसे जांचते हैं कि इन्हें किस किस्म की तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। अंकल, आपको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ पर? मेरा ख्याल है हम बराए नाम जिंदा है यहाँ पे, या आप तकलीफ आप सामने देख रहे हैं, आपको भी नजर आ रही है। अब ये माँ बहन बड़े बूढ़े छोटों का, गाड़ियों का, किसी चीज का आना जाना महफूज नहीं है, जंगल तो इससे आसान होगा जिंदगी जो शहर में हम गुजार रहे हैं। जी, ये कह रहे हैं कि हम यहाँ एक अजीरन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुख्तलिफ लोग ही मौजूद हैं, हमारे साथ एक और साथी मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप क्या कहते हैं इस बारे में, यहाँ देखें एक खंडरात का मंजर, एक दरिया, गंदा नाला, आवाम अजियत का शिकार, कर्ब में, तकलीफ में मुब्तला है, ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है, इंतहाई बेचैनी का आलम है लोगों में, आप क्या कहते हैं इस बारे में, किस किस्म की लोगों को तकलीफ हो रही है और हमारे हुक्मरान कहाँ हैं वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, NTV न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, इस मसले को उजागर करवाया और जो अरबाब इख्तियार है उन तक पहुँचाए सोशल मीडिया के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए। तो असल में इसके तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए, हमारे में तकरीबन 1.5 से 2 लाख गाड़ियाँ रोज़ाना गुजरती है, चूँकि मैं ख़ुद भी स्टूडेंट हूँ और यहाँ से स्टूडेंट भी गुजरते हैं, बीमार बच्चे बूढ़े सारे गुजरते हैं, यहाँ के हालात बिल्कुल ख़राब है। डिस्ट्रिक्ट मलिर जो DMC है उनसे मैं, उन्होंने बहुत यहाँ पर हम लोगों ने एहतजाजे किए, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस आपको दिखा सकें, ये मेन शाहरा है, इस पर से एक एम्बुलेंस का गुजर हो रहा है, ये वो शाहरा
जो जिना अस्पताल को पहुंचाती है। ये रास्ता जिना अस्पताल कराची का सबसे बड़ा अस्पताल जिना हॉस्पिटल कहलाता है। यहाँ से एक एम्बुलेंस गुजर रही है लेकिन ये रोड इंतहाई ट्रैफिक जाम है। यहाँ पर ट्रैफिक को जाने का रास्ता नहीं है। इन खंडरात में से अगर कोई मरीज इस एम्बुलेंस के अंदर मौजूद है तो मेरा ये दिल कहता है और मेरा ये ईमान है, खुदा न ख्वास्ता वो मरीज अगर इन खंडरात में से इन पहाड़ों में से अगर वो गुजर कर जिना हॉस्पिटल जो कराची का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहां तक वो खैर आफियत के साथ नहीं पहुंच सकेगा। हम हुक्मरानों से, हुकूमत वक्त से, हुकूमत सिंध से, एमएनए से, मकामी एमपीएस से, यहाँ की मौजूदा डिस्ट्रिक्ट कयादत, यहाँ के मकामी यूसीस के चेयरमैन, मकामी काउंसलर सबसे मुतालबा करते हैं कि खुदारा खुदारा जागिए, अब सोने का वक्त नहीं है। अवाम इंतहाई अजियत का शिकार है, अवाम इंतहाई कर्म में मुब्तला है, तकलीफ में मुब्तला है। आप इलेक्शन में नजर आते हैं लेकिन जब ये लोग मुसीबत में होते हैं आप अवाम के साथ नहीं होते। एनटीवी न्यूज ये मुतालबा करती है, आज यहाँ फ्यूचर मोड पर मौजूद है। हम ये कहते हैं कि फ्यूचर मोड पर जो रोड यहाँ पर तामीर नहीं हुआ इसे खुदारा जल्द अज जल्द तामीर किया जाए, ताकि यहाँ के जो मकामी लोग हैं और यहाँ से लाखों की तादाद में जिन लोगों का रोजाना गुजर होता है ताकि वो भी एक खुशहाल और अच्छी जिंदगी गुजार सकें। और हम आपसे एक दफ़ा फिर ये मुतालबा करेंगे, एनटी न्यूज़ एनटीवी न्यूज़ आपको ये पैगाम देती है कि हुकूमत वक्त खुदारा जाग जाइए और अवाम का दुख दर्द महसूस कीजिए। एनटीवी न्यूज़ से शहजाद खान आखून को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम फिर एक नए मकाम पर, नई जगह आपके साथ हाजिर होंगे और एक नए मसले पर इंशाल्लाह एक नया मसला उजागर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।